हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंडशिप इन टूडेज़ वीडियो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर वन ऑफ सेटराइट क्लास नाइन चैप्टर वन हमारा है लाफामील लाफामील मीन्स द फैमिली ये वाला जो हमारा चैप्टर इट इज़ डिवाइडेड इन फोर सेक्शंस ए बी सी डी ए सेक्शन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा है कॉम्प्रीहशन सो so ये टेक्स्ट हमें रीड करना है जो नीचे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनका हमें आंसर देना है सो so सबसे पहले इस टेक्स्ट को ही हम रीड करते हैं य so the first line is je vis ऑफ फ्रांस en france मे ग्रो पारो मे पारो parents et mon मीन्स means i live in paris in france with my grandparents my parents and my brother so यह हमें last में पता चलेगा कि कौन यहाँ पर जो je है means I है ये है कौन सो so यहाँ पर आगे वो जो भी है राइटर ऑफ this text वो कहता है या कहती है nous sommes फ्रांसे मीन्स वी आर फ्रेंच Mon grand-père s'appelle Monsieur Richard Vincent. Means my grandfather's name is Mr. Richard Vincent. Il est il vieux, mais très actif. Means he is old but very active. Il porte des lunettes. Means he wears glasses. Il a une grande moustache avec les cheveux Means he has a big moustache with white hairs. Il est à la retraite. Means he is. ऑन रिटायरमेंट मतलब वो अभी अभी रिटायरमेंट से आए हैं मा ग्रोमेर सपेल मदाम लुइस विंसेंट मीन्स माई ग्रैंड मदर्स नेम इज़ मिसेस लुइस विंसेंट एल ए बेल ए ग्रॉन्द अविकलिशो कूर्थ मीन्स शी इज़ ब्यूटिफुल एंड टॉल विद शॉर्ट हेयर्स एंड ब्लॉन्ड मीन्स ब्लॉन्ड है और शॉर्ट है उनके हेयर्स एल ए फारामोफो ये मीस शी इज़ हाउस वाइफ फार्मोफो ये मीन्स हाउस वाइफ A young born cuisinier and a very good cook. So, she do cooking very well. Elle semble très sympa. Means, she seems very kind. Sampa is the short form of sympathique. Mon père s'appelle Monsieur Ronald Vincent. Means, my father's name is Mr. Ronald Vincent. Il travaille à l'ambassade de France. Means, he works in the French embassy. Il est très occupé. Means, he is very busy. Il est bon means he is handsome. Grand means tall. Et un peu strict means and a little bit strict. Kò il est libre means when he is free. Il aime regarder la télé. le journal means when he is free. He likes to watch the TV and read the newspaper. Ma sapèl s'appelle Madame Sylvie Vincent. Means my mother's name is Mrs. Sylvie Vincent. Elle est belle et ए मीन्स आई विकेव लॉन्ग इन आर मीन शी इज ब्यूटिफुल एंड थिन विद विद लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर्स ठीक है से जू सोग्रॉन्द मीन्स हर आईज आर बिग एल आर यून तेल मोयन मीन्स उनकी जो हाइट है वो एवरेज है ना ज्यादा लंबी है ना ज्यादा छोटी है तेल मीन्स साइज मीन्स हाइट मोयन मीन्स एवरेज ए means she is a French teacher. एल ए प्रोफेसर दफ्रॉन् मीन्स शी इज़ अ फ्रेंच टीचर एल सर विल तो ए फेद यू योगा मीन्स शी वेक्स अप अर्ली एंड डू योगा एल एम लिपला फ्रॉन्से में एल नीपा पोन क्यूजीनिया शी लाइक्स फ्रेंच डिशेज बट शी इज़ नॉट अ गुड कुक मोफ्रेर कादत्थ सपेल मार्क अब ये कादित्थ क्या होता है कैडेट हमारा एक इंग्लिश वर्ड है कैडेट जिसका मीनिंग होता है यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर तो ये फ्रेंच में भी वर्ड है कैडिट कैडिट एंड इंग्लिश में है कैडेट ठीक है मो मोफ्रेर का दे सपेल मार्क मीन्स माई यंगर ब्रदर्स नेम इज मार्क इल काश टू यूर शोस मीन्स ही ऑलवेज हाइड्स काश का मतलब होता है टू हाइड ही ऑलवेज हाइड्स माई थिंग्स ए म देरांश एंड डिस्टर्ब्स मी देरांश मीन्स डिस्टर्ब इल एथ्रे मोशो मे मीन नोम मीन्स ही इज वेरी नॉटी बट क्यूट इल ने नी पेथी नी ग्रोम मीन्स ही इज नीदर स्मॉल नॉट टॉल इल एम फेयर दू स्पोर्ट्स ट्रू लव शू ने मीन्स ही लाइक्स टू डू स्पोर्ट्स होल डे इन लव पा आले आले कॉल मीन्स ही डजेंट लाइक टू गो टू स्कूल मतलब उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑफ सिमुआ मीन्स फाइनली इट इज़ नी सो अब हमें पता चल जाएगा कि कौन है यहाँ इस टेक्स्ट का राइटर सो दैट इज़ यम अपेल कैथरीन मतलब कैथरीन है इस टेक्स्ट की राइटर ये कैंस ओ मीन्स आई एम फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड Je suis grand et means, means I am tall and thin. Mes cheveux sont longs et red means my hairs are long and stiff. J'aime dessiner means I like to draw. Regarder les films anglais et français means I like to watch French and English films and going to the cinema or the restaurant with my uh, friends. Mais means but. ऑन द वीकेंड जेम एथरे आवेकमा फा मिल ए मा मेर आला मेजो means on the weekend उसको क्या पसंद है कैथरिन को she likes to be with her family and help her mother in the household कोर्स ठीक है दिस वीडियो आम गोना कवर जस्ट द थियोरिटिकल पार्ट सो आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट नाउ देर वुड भी अनदर वीडियो फॉर द एक्सरसाइज ठीक है नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी विच इज़ एक्सप्रेसिव एक्रितिथ इट जो ये हमारा एक्सप्रेसिव एक्रित्रित्रित्रित्रित्रथ है इसके अंदर कुछ भी हमारा थियोरिटिकल नहीं है इट इज़ ऑल दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लासेज लाइक एट्थ सेवेंथ सो देखो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो है क्वेश्चन नंबर वन दट आप लोगों को यहाँ पर एक इमेज प्रोवाइड करी गई है एंड आप लोगों को गेस करना है कि क्या डायलॉग्स इनके बीच में हो सकते हैं क्या होगा फर्स्ट डायलॉग हम इस लड़के का मान लेते हैं बोनजू और या फिर सैल्यू फिर लड़के रिप्लाई करी गई सैल्यू कोमोसावा येवेबिया तो ये सारे करके आप लोगों को इसके इनके जो है डायलॉग्स गेस करते जाने एंड यू हैव टू राइट सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू के अंदर अ पस्ती द से द दीन ए क्रीविल अपोस्टेड दर्सोनाश अब इनको इन ये इमेजेस को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है इनकी पर्सनालिटी के बारे में आप लोगों को राइट करना है ठीक है आप इनका नाम इनकी एज इनके नेशनैलिटी इनके टेस्ट और इनकी फिजिकल इन अपियरेंस इन जो है डिस्क्राइब करना है ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हमारा क्या है ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं वेयर यू हैव टू रीड द डायलॉग्स एंड पुट देम इन ऑर्डर J'habite nice. anis evu means I live in Nice, and you? abianto means see you soon. Comment tu t'appelles? What's your name? Salut means hello. Je m'appelle Paul, evu means my name is Paul, and you? Tu habites Where do you live? Salut mes amis. means uh, hello my friends. Formidable. Nous habito aussi à means wonderful, we also live in Nice. Au revoir mes amis. means bye bye my friends. Moi je m'appelle Nargi, et lui il s'appelle Ali means my मी माई नेम इज़ नारगिस एंड हेम हिज नेम इज़ अली तो ये मैंने आपको डायलॉग बता दी है इनके ट्रांसलेशन बता दी एंड नाउ यू हैव टू पुट दै मे इन ऑर्डर वाई राइटिंग वन टू थ्री फोर बिफोर द डायलॉग विच कम्स एट द फर्स्ट एंड देन इट सेकेंड थर्ड रिस्पेक्टिवली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है ये क्वेश्चन ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी हमने पिक कर रखे हैं ऑलरेडी वेर यू हैव टू फिल योर आइडेंटिटी कार्ड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर आपके नेम पूछा गया है प्री नेम पूछा गया नैशनैलिटी पूछी गई है बर्थ डेट पूछी गई है प्रोफेशन पूछा गया एड्रेस पूछा गया है फिर टेलीफोन नंबर क्लास स्कूल एंड ई ठीक है तो ये सारे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिल करनी है बट रिमेंबर वन थिंग जो हमारा प्री नोम होता है ना उसका मतलब होता है प्री नेम तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर लगेगा जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ एक आ, सपोज ऐसे नारगिस क्रिस्टन नारगिस क्रिस्टिन मेरा नेम है ठीक है क्रिस्टन नारगेस क्रिस्टिन इज़ माई नेम ये मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो जो नारगी होगा वो होगा मेरा प्रेनोम और जो क्रिस्टेन है मतलब जो मेरा सेकेंड नेम है जिसको आप सब लोग सरनेम बोलते हो वो होगा मेरा नोम तो यहाँ पर जो हमारा Nargis है वो यहाँ पर लगेगा प्रेनोम पर और जो Christine है वो हमारा यहाँ पर लगेगा नोम पर ठीक है ओके आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो फिर इसका इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमारा क्या कहता है दैट यू हैव टू प्रिपेयर द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर कामराद मीन्स योर मेट स्कूल मेट क्लासमेट मेट एनी थिंग ठीक है उसका भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है फिर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस राइटिंग सेक्शन का इट इज़ यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर सेफ ठीक है लेटर का फॉर्मेट हमारा बहुत ज़्यादा ईजी होता है जैसे कि इंग्लिश के अंदर होता है आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है डेट लिखनी पड़ती है सब्जेक्ट लिखना पड़ता है फ्रेंच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इंग्लिश में एक और चीज़ होती है जैसे कि अगर मान लो आप लोग लेटर लिखने लग रहे हो तो आपको एक ही लाइन पर फॉलो करना पड़ता है ना आपको जो भी कंटेंट होगा इसी लाइन से शुरू होगा बट फ्रेंच के अंदर क्या होता है मैं आपको फॉर्मेट अभी बता देती हूँ सबसे पहली चीज़ सपोज दिस इज़ योर पेज ये आप लोगों का पेज है तो इस पेज में हमारी जो बिल्कुल राइट हैंड साइड होगी वहाँ पर आप लोगों को अपनी सिटी लिखनी है और उस साइड में कोमा लगाकर फिर आप लोगों को डेट लिखनी है ठीक है तो मतलब कि एड्रेस यहाँ पर फिर कोमा लगाकर डेट यहाँ पर फिर नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को आ जाना है अगर आप लोग अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लोग उसको ग्रीट करोगे कि बोंशूर रवि ठीक है मैंने एग्जाम्पल लिया है रवि नाम का बोंशूर रवि फिर आप लोगों को जो आपका कंटेंट है उसको आप लोगों को फिल करना है वट यू वॉन्ट टू राइट फिर लास्ट में जब आपका लेटर खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है Uh, वो करते ही हैं कि आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स वो लिख के बिल्कुल बिल्कुल राइट एंड साइड में फिर से आ जाना है और वहाँ पर लिख देना है आप लोगों को जो भी आप लोगों को लिखना है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ औरव आर और फिर लास्ट में अपना नाम ठीक है औरवआर और कुछ भी नाम लिख लो सपोज मैं लिख लेती हूँ मैनुअल तो ऐसे होता है हमारा सिंपल सा फॉर्मेट इन फॉर्मल लेटर लिखने का इन फ्रेंच तो ऐसे ही आप लोगों को ये वाला लेटर भी लिखना है एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर ठीक है सो so, यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया है हमारा बी सेक्शन नाउ कमिंग टू द सी सेक्शन विच इज ग्रामर इस पेज पर हमारा जितना भी ग्रामर पार्ट दे रखा है वो मैं अभी ही पूरा का पूरा इसी यहीं पर डिस्क्राइब कर देती हूँ ठीक है सो so, यहाँ पर हमारे डिस्कस कर रखे हैं इस पूरे के पूरे पेज पर आर्टिकल्स ठीक है आर्टिकल्स इन फ्रेंच तो हम हमें इंग्लिश के आर्टिकल्स पता हैं जो हमारे इंग्लिश के आर्टिकल्स होते हैं दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू के डिग्रीज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स ठीक है अब जो हमारे फ्रेंच के अंदर होते हैं वे भी हमारे ऐसे ही डिवाइड होते हैं ले जार्ल डिफिनी, ले जार्ल ऑन डिफिनी ठीक है बट देर इज अ लिटल चेंज चेंज क्या होता है इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करते हैं इन आर्टिकल्स की और डेफिनेट आर्टिकल्स की तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं हमारे ए और एन ठीक है डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आता है द बट फ्रेंच में ही थोड़ा सा वास चला जाता है ये बहुत टॉपिक देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंच के अंदर इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज अ सेकेंड इज एंड थर्ड इज दे अब इंग्लिश के अंदर जब भी हम सॉरी आर्टिकल्स पुट करते हैं हम कैसे उनको पुट करते हैं कि अगर वॉवल्स से शुरू होता है तो हम एन पुट कर देते हैं अगर कांस्टेंट साउंड से बिगिन करता है तो हम अ पुट कर देते हैं ठीक है ऐसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लगाते हैं बट फ्रेंच के अंदर टोटल डिफरेंट केस होता है अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन है एंड हमें इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है तब हम यूज़ करते हैं अ का ठीक है इसका मतलब है इसका मतलब ए भी हो सकता है एन भी हो सकता है क्योंकि ये वोवल पर डिपेंड नहीं कर रहा इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन जेंडर जो हमारा यून होता है वो किस पे डिपेंड करता है वो भी जेंडर पर ही डिपेंड करता है अगर हमारा फेमिनिन है जेंडर तो हम यूनपुट कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा होता है ए और एन बट एक और चीज़ ये हमारी आती है फ्रेंच के अंदर कि नाउन जो हमारा होता है वो प्लूरल भी होता है तो प्लूरल के लिए भी हमें एक इनडेफिनेट आर्टिकल चाहिए था तो इसलिए हमारा दे का इन्वेंशन हुआ एंड दे हमारा यूज़ होता है विद प्लूरल एंड इसका मतलब हमारा इंग्लिश में होता है सम ठीक है तो ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं फ्रेंच के अंदर इंग्लिश के अंदर हमारा डिपेंड किस पे करता था वॉवल और कॉन्स्टेंट साउंड पर वोवल एंड कॉन्सटेंट बट फ्रेंच में टोटल डिफरेंट हुआ हमारा किस पे डिपेंड करता है वो ओनली ऑन जेंडर तो ये हमारा डिस्कस कर रखा था यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर अब बात करते हैं हम हमारी डेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हमारा क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल्स जैसे कि हमारा इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक होता है दैट इज़ द बट फ्रेंच के अंदर जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होगा वो भी फिर से हमारा जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे अगर हमारा नाम जो है वो मैस्कुलिन है तो हम पुट करते हैं ल फेमिनिन है तो पुट करते हैं ला और अगर वॉवल से शुरू होता है ए ए आई ओ यू से शुरू होता है तब हम पुट करते हैं एल अपोस ठीक है कैसे ये भी देखो लो अगर मैं बात करती हूँ ल ओम मैंने लिखा ओम हमारा क्या है मैन मतलब मेस्कुलन है और मेस्कुलेन तो हमने ल पुट कर दिया बट एक रूल आप लोगों को याद होगा कि जब भी वॉवल वॉवल एक साथ आ जाते हैं तो पहले वाले वर्ड का जो वॉवल है वो कट हो जाता है और पोस्ट में लग जाता है तो वहाँ से इस वाले जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल की है इन्वेंशन हुई थी फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला होता है प्लूरल के लिए प्लूरल जब हमारा कोई भी नाउन होता है और हमें डेफिनेट आर्टिकल पुट करना होता है तब हम पुट करते हैं ले तो ल ला एल अपोस्ट्रॉफी एंड ले आर द डेफिनेट आर्टिकल्स एक बार यहाँ से भी हम रीड कर लेते हैं इनके रूल्स सो so वही डेफिनेट आर्टिकल्स में ल ला एल अपोस्ट्रॉफी और ले द फ्रेंच डेफिनेट आर्टिकल्स सिमिलर टू इंग्लिश डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग स्पेसिफिक ये चीज़ पता है टू एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसक्स विद वर्ब्स लाइक एम ए अदोरे दिस्ते एंड प्रेफरे विद द डेज ऑफ द वीक सीजन न्यूज पेपर एंड लैंग्वेजेस डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज विद नेम्स ऑफ कंट्रीज माउंटेन्स लेक्स एंड कॉन्टिनेंट्स अब हम बात करते हैं इन डेफिनेट आर्टिकल्स की इन डेफिनेट आर्टिकल्स वही जो मैंने आप लोगों को बताए थे अन दी अब कुछ रूल्स जो हमारे दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं फोर रूल्स द फोस्ट रूल इज इन डेफिनेट आर्टिकल्स आर यू डिस्क्राइब समथिंग जनरल जनरल डिस्क्राइब करने के लिए इन सम केसिस इन डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज इन इंग्लिश वेर एज दे आर ओमिटेड इन फ्रेंच वायलैशिटी रीजन रिलीजन एंड प्रोफेशन जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर शी इज़ अस्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश के अंदर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल लगा बट फ्रेंच के अंदर वो ओमिट हो गया ठीक है ओमिट मतलब कट हो गया थर्ड थर्ड रू कहता है वेन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन वेन द द इज यूज इन प्लेस ऑफ दे अगर जब भी हमारा एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है फील है और एडजेक्टिव फील से पहले लगा हुआ है तो हमारा जो दे है वो द के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल तो ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर दे को द के अंदर चेंज नहीं करा गया अब यहाँ पर आप लोग ने ऑब्जर्व कर लिया कि ये नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा पड़ा है तो हमें यहाँ पर दे की जगह द लगाना पड़ेगा सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल मार्केट एज अ स्टार्ट नेक्स्ट है इन नेगेटिव एक्सप्रेशंस अ युन दे चेंजेस टू द एक्सेप्ट विद द वर्ब एथ्र अब नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे अ यून दे होते हैं वो दी ई e के अंदर चेंज हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर द के अंदर चेंज हुआ वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हमारा जो इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो द के अंदर चेंज हो जाते हैं बट जब हमारा यूज होता है एत्र वर्ब का मान लो एक सेंटेंस के अंदर हमारी यहाँ पर देखो एत्र वर्ब है से यूनफील और मेरे को इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगी स ने पाई यून बट आप लोग कहोगे कि मैम आपने कहा था नेगेटिव में चेंज करना तो यून हमारा द के अंदर चेंज होगा बट आई टोल्ड यू वन थिंग मोर दैट यहाँ पर हमारी एत्र वर्ब यूज हुई है तो इस वजह से नो चेंज वुड बी देयर ठीक है अब आते हैं हम ई ई ई आर वर्ब्स पर ठीक है ई आर वर्ब्स हमने ऑलरेडी कर रखी हैं आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट्स बॉक्स इन द कमेंट बॉक्स वहाँ से जाकर आप लोग ई ER आर की पूरी की पूरी वीडियो वहाँ से आप लोग देख लेना ठीक है सो दिस इज वी हैव डन ई आर वर्ब्स आप लोग देख लोगे उस वीडियो में से जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पर फिर आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेना ठीक है नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर डी विच इज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन फॉर कल्चरल सिविलाइजेशन आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि यहाँ पर आप से लोगों से पूछी गई हैं ठीक है फर्स्ट इज़ लिपेवासी मीन्स द नेबरिंग कंट्रीज़ आप लोगों को नेबरिंग कंट्रीज़ तो पता होनी चाहिए कि फ़्रांस के बॉर्डर पर कौन कौन सी कंट्री उसको टच करती हैं सो so, सबसे पहली ऐसी कंट्री है एक तो है हमारी स्पेन एक हमारी लुक्जमबर्ग एक है जर्मनी एक है स्विट्ज़रलैंड एक है इटली एंड एक है बेल्जियम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द आइलैंड एट दी साउथ तो फ्रांस का हमारा एक ही आइलैंड है जो कि उसके साई करता है एंड उस आइलैंड का हमारा नाम है कोर्स सी ओ आर एस ई ठीक है फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स की कौन कौन सी मेन रिवर्स हमारी फ्रांस के अंदर है तो एक है हमारी रिवर सेन एक है लुआर वन इज अनदर वन इज़ गारोन नेक्स्ट इज़ रोन एंड द लास्ट वन इज़ रीन ठीक है नेक्स्ट हमारी सिक्स सिटीज फ्रेंच सिटीज एक ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगी पेरिस एक मार्सेल लील तुलिस बोर्डो नीस ओके एंड पेरिस इज कैप दी कैपिटल यून मैर ऑन ऑफ फ्रांस ए लॉन्ग लतर मीन्स अ सी इन द मिडल ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस उस सी का हमारा नाम है मॉन्श मॉन्श ठीक है जिसको हम इंग्लिश में इंग्लिश चैनल बोलते हैं तो ये हमारा फ्रांस है एंड हेयर इज द इंग्लैंड इनके बीच में ये जो हमारी वाटर बॉडी यहाँ पर लाई करती है ये हमारी है मॉन्च ठीक है नेक्स्ट है लामैर ओ सुद्ध मीन साउथ में जो उसका ओशन लाई करता है फ्रांस के जो कि यहां पर है दिस पार्ट दिस पार्ट इज ला मैर मेदितरानी तो यहां पर हमारा कौन सा ओशन लाई करता है साउथ में मेडिटरनियन सी ठीक है लोसियो एलुए दस मीन्स वेस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ हमारा कौन सा ओशन है मीन्स ओवर हेयर यहाँ पर हमारा कौन सा ओशन है एटलांटिक ओशन ठीक है तो वेस्ट की तरफ हमारा है एटलांटिक ओशन नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पूछा गया है कि फोर माउंटेन्स तो माउंटेन्स के आपके नाम आप लोगों को नाम याद होने चाहिए सबसे पहला माउंटेन है एल्प सेकेंड वन इज पायरनी थर्ड इज़ जूरा वोस्ट एंड मसील ठीक है तो ये है हमारे मेन कल्चर सिविलाइजेशन के पॉइंट विच यू ऑल मस्ट नो सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेर विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक सो चिल्ड्रेन टेक केयर बाबा एंड डू कंप्लीट द एक्सरसाइज